कि थोड़ी सी आंखें खोल के देखो। बुद्धिमान लोग हो आप, सुनील जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सोच करके देखें जरा थोड़ा सा। मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन सत्य का निर्णय तो आपको करना ही पड़ेगा। सत्य का निर्णय नहीं करेंगे, सत्य को समझेंगे नहीं, तो वस्तु स्वरूप तक कैसे पहुंचेंगे? सत्य को समझे बिना सत्य की उपलब्धि कैसे होगी? सत्य की उपलब्धि के लिए सत्य को जानना और सत्य को समझना जरूरी है, अनिवार्य है ये चीज। लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद मानता है। अच्छा, मैं कैसे नमस्कार करूंगा उसको? मैं तो मेरे से छोटा है, मैं उसको कैसे नमस्कार करूंगा? वो तो मेरा कर्मचारी है, मैं उसके कैसे हाथ जोड़ सकता हूं? वो तो मेरा सर्वेंट है, मैं उसके कैसे हाथ जोड़ सकता हूं? लोक में तो बड़ा अपने आप को होशियार समझता है, लोक में तो बातें इस प्रकार की कह रहा है, अपने आप को निंद मानता है अपने से नीचे को नमन करने में, और मोहित होकर रोढ़ों को तक को पूजते हुए भी निंदपना नहीं मानता। रोढ़ी समझ गए आप क्या? पत्थर के टुकड़े, कंकड़ पत्थर, इनको रोढ़ों को पूज करके और देवत्व की कल्पना कर लेता है, अपनी मान्यता में देवत्व की कल्पना कर लेता है। अपने घर में कहीं भी किसी भी चीज को ऐसा कोई लीप पोत करके बिठा दो और पूज्य हो जाता है, बस पूजना मानने लग जाता है, वो समझता है कि तो पूज्य हो गया, इसका सम्मान करो। कबीरदास जी का कथन है इस तरह का, क्या कहते हैं, पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इन पत्थरों को पूजने से यदि प्रभु मिल जावे तो मैं पहाड़ पूजने तक को तैयार हूं। लोक में तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसी की सेवा करते हैं। लोक में किसकी सेवा करते हैं? जिनसे प्रयोजन सिद्ध होता हुआ जाने, इनसे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा, गोबर को पूजने लग जाता है। ये देखो कहते हैं ना, समय पड़ने पर ये जीव गधे को भी बाप बनाने को तैयार हो जाता है, जगत में प्रसिद्ध है ये कथन। बची हुई है, एक व्यक्ति एक दीपक से आरती करता है तो दूसरा 11 से करने की कहता है, तीसरा 1000 से करने की कहता है, एक कहता है 1008 दीपकों से, 10000 दीपकों से आरती, एक साथ सामूहिक आरती का आयोजन होगा। काहे की होड़ मची है भाई साहब, किसमें धर्म मान रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। लगा है बस होड़ करने में, नाम भरी करने के अंदर, और समझ लीजिए आप रिकॉर्ड बनाने में। इतने लोगों ने एक साथ दीपक जलाए, इतने लोगों ने एक साथ ऐसा किया, क्या है भाई साहब? धर्म तो एक तरफ धरा रह गया, रोग दूर करने का उपचार मात्र बना करके रख रखा है, मंत्रों को इन सब चीजों को क्या कर रहा है? रणमोकार महामंत्र को तबे ठीक करने का माध्यम बना लिया, भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से चल रहा है, ऐसा चलता है कि ये बोलेंगे तो इससे ठीक हो जाएगा। भेड़ चाल मची हुई है बस, विनीत जी भाई सबसे किया ऐसा ही, भेड़ चाल मची है, देखा देखी में लगा हुआ है, होड़ मची हुई है बस, इस मंत्र का जाप करो ऐसा हो जाएगा, इस मंत्र का जाप करो ऐसा हो जाएगा। और आज तो समाज में चल गई है शांति धारा की परंपरा। को कहता हूं कई क्षेत्र वाले लोग परिचित लोग हैं तो कहते हैं पंडित जी इस बहाने मंदिर में पैसा आ जाता है, आपका क्या बिगड़ता है? पैसा कमाने का माध्यम समझ लिया, धर्म तो एक तरफ धरा रह गया, सिर्फ पैसा सिर्फ पैसा सिर्फ पैसा, मंदिर में पैसा आना चाहिए, बोलियां लगनी चाहिए। और आजकल तो शांति धारा ऐसी चल रही है, घर बैठे शांति धारा कराओ आप, टीवी पर दिखाएंगे और आपका नाम बोल लेंगे 100-200 लोगों का बस, और पैसे भिजवा देना आप, आपके कल्याण हो जाएगा। क्या राज चल रहा है भाई साहब, क्या बताएं, समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है। टोडरमल जी का वो वाक्य याद आता है, जगत भोला, जगत बहुत भोला है। मैं सच कहता हूं, ये ऐसी ऐसी बातें, अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी, सुरेंद्र जी भाई साहब बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें दिखाई देती है कि सब चल रहा है ऐसा ही, ढाल मेल चल रहा है, सारे पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, न कोई समझना चाहता है न कोई समझाना चाहता है। उनको लगता है कि यार आपका क्या बिगड़ता है, अपना क्या बिगड़ता है। टोटरमल जी ने तर्क दिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस मंत्र से आपके ये महामारी दूर हो जाती है बराबर, तो उन लोगों को तो फिर डर नहीं होगा ना इस बीमारी का, फिर उन लोगों को तो सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है ना, फिर उन लोगों को तो डरने की जरूरत नहीं है ना,
कोई व्यक्ति हमारे पास में आए नहीं जाए चले जाए क्या फर्क पड़ता है, फिर तो हम किसी भी चीज को छुए क्योंकि हमारे पास तो मंत्र है ना, वो भी गवर्नमेंट के नियमों का पालन कर रहे हैं। दुनिया को तो ये बतला रहे हैं इस मंत्र से सबका ठीक हो जाएगा और खुद इलाज ये कर रहे हैं, हमारे पास में कोई मत आओ क्योंकि हमारे कोरोना नहीं हो जाए। पागल बना रहे हो यार दुनिया को, जबरदस्ती की उलटपटांग बात कर रहे हो आप। आपको अपने ही मंत्र के ऊपर भरोसा नहीं है,